अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम व दीगर सामईन हज़रात, आप तमाम का तीसरी मुशावरती निशिस्त में दिली खैर मकदम है। वेलकम, खुश आमदीद। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मेरा तारुफ करवाना चाहूंगी। मैं अस्मा खातून, सरकारी उर्दू गर्ल्स हायर प्राइमरी मदरसा सेड़म, तालुका सेड़म, जिला कलबुर्गी में मददगार मौलिमा की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। आज का हमारा उन्वान है मदरसे में तजुर्बेगा यानी लेबोरेटरी का बनाना। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से मदारिस में तजुर्बेगा यानी लेबोरेटरी को बनाया जा सकता है, इसके मुताबिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस, यानी कि जब तक हम साइंस को प्रैक्टिकली तौर पर नहीं करते हैं तब तक हम उसको समझ नहीं सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए हमें चाहिए एक वेल इक्विप्ड यानी के मुनासिब तरतीब वाला तजुर्बेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, तजुर्बेगा जमाती कमरे के लिए एक शानदार तसव्वुर है। मदरसे में जमाती कमरे की तरह तजुर्बेगा की भी अपनी एक अहमियत होती है। तलबा में साइंसी रुझान पैदा करने के लिए तमाम मदारिस में तजुर्बेगा का होना लाजमी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए असातिज़ा को अपने मदरसे में कम से कम एक तजुर्बेगा बनाने की जरूरत है। मदरसा प्री प्राइमरी मदरसा हो या हायर प्राइमरी मदरसा हो या फिर हाई स्कूल हो या हायर प्राइमरी मदरसा हो, मदरसे की मुनासिबत से एक तजुर्बेगा का होना लाजमी है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह से हम प्री प्राइमरी मदरसे में, उसके बाद प्राइमरी मदरसे में, उसके बाद हायर प्राइमरी मदरसे में और फिर हाई स्कूल में किस तरह से हम एक तजुर्बेगा को बना सकते हैं और उसको अमल में ला सकते हैं। पहले हम जानेंगे कि किस तरह से प्री प्राइमरी मदारिस में तजुर्बेगा को बना सकते हैं। प्री प्राइमरी मदरसे के लिहाज से मदरसे में मौजूद जमाती कमरों की दस्तियाबी पर लिसानी किट, साइंस किट, इल्म रियाजी किट और समाजी साइंस की किट होना निहायत ही जरूरी है। यानी कि चूंकि मदरसा प्री प्राइमरी होने के बाद वहां पर जमाती कमरों की कमी हो सकती है, ऐसी सूरत में किसी एक जमाती कमरे में इन तमाम किट्स के वसायल को एक जगह जमा करके रखने से तमाम मजामिन के यानी के इल्म रियाजी, समाजी साइंस, लिसानी और साइंस के किट्स के साजो सामान को, वसायल को एक जगह इस तरह से जमाएं कि हमें हसब जरूरत उन वसायल का इस्तेमाल करना आसान हो। यानी के तलबा को जहां कहीं भी पढ़ाई के दौरान उन वसायल की जरूरत पेश आती हो तो तब तलबा आसानी के साथ उन मसायल का इस्तेमाल करते हुए जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो तसव्वुर होता है, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से किसी प्राइमरी मदरसे में हम तजुर्बेगाह को बना सकते हैं। अगर जो मदरसा प्राइमरी हो के बाद जमाती कमरे की दस्तियाबी पर जमाती कमरे के किसी एक कोने में लेबोरेटरी कॉर्नर बनाया जा सकता है। यानी कि प्राइमरी मदरसा में भी, मदारिस में भी जमाती कमरों की कमी हो सकती है, तो लिहाजा ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जमाती कमरे के किसी एक कोने में जो लेबोरेटरी का जो सामान होता है यानी कि तजुर्बेगाह में जो इस्तेमाल होने वाले वसायल होते हैं, उन वसायल को किसी एक कोने में अच्छी तरह से तरतीब वार जमा कर रखेंगे, जहां से तलबा को सीखने के मौके फराहम हो सके। ये किट्स के जरिए तलबा खुद से और असातिज़ा की रहनुमाई में सीखने के मौके फराहम करेंगे।
यानी के चूंकि जैकेट्स में मौजूद जो सामान होते हैं वो सामान ऐसे होने चाहिए कि तलबा इन्हें कम से कम दो सरगर्मियों में इस्तेमाल करें, यानी के किट्स में मौजूद सामान को वसाइल को जो तलबा यूज करते हुए उन्हें इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जब सरगर्मियों को अंजाम देंगे तब जाकर तलबा के जहन में वो कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से उनके जहन में उतर जाएगा और वो उसको बहुत अरसे तक लंबे अरसे तक भूल नहीं सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि किस तरह से किसी हायर प्राइमरी या हाई स्कूल में किस तरह से हम लेबोरेटरी को बनाया जा सकता है। हायर प्राइमरी या हाई स्कूल की मुनासिबत से मदरसे में जमाती कमरे की दस्तियाबी की बुनियाद पर तमाम मौजूदा तजुर्बेगा या फिर किसी एक मौजू पर मुनहसर तजुर्बेगा का होना जरूरी है, यानी के जब मदरसा हायर प्राइमरी होता है या फिर हाई स्कूल होता है वहाँ पर मदरसे की नौयत के हिसाब से अगर हमें जमाती कमरों की वाफर मकदार मिलती है तो तब हम क्या करेंगे, हर एक मजमू पर एक तजुर्बेगा बनाएंगे, या फिर अगर मदरसे जमाती कमरों की कमी है मदरसे में तो तब कम से कम एक तजुर्बेगा का एक मौजू पर मुनहसर तजुर्बेगा का होना बेहद जरूरी है हायर प्राइमरी या फिर हाई स्कूल्स में, क्योंकि तजुर्बेगा ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चे खुद से करके सीखते हैं या फिर असातिज़ा की रहनुमाई में सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन वसाइल के जरिए तलबा खुद से या फिर असातिज़ा की मदद से सीख सकते हैं, यानी कि तजुर्बेगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर तलबा खुद से करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से यहाँ पर बच्चे सीखते हैं और जो कुछ सीखा जाता है उन्हें वो बहुत अरसे तक याद भी रहता है। इसके बाद देखिए चंद एक अशिया तजुर्बेगाह में तलबा के लिए मुजिर हो सकते हैं, ऐसे अशिया को असातिज़ा खुद इस्तेमाल करते हुए तलबा को बता सकते हैं, यानी के चंद एक अशिया जो है तजुर्बेगाह में इस्तेमाल होने वाले जैसे कि कीमियाई अशिया या फिर केमिकल्स या फिर चंद वसाइल साइंसी तजुर्बे में जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं वो गैर तलबा के लिए मुजिर साबित हो सकते हैं। ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, असातिज़ा तलबा को पहले से ही आगाह करेंगे कि असातिज़ा की गैर मौजूदगी में वो किसी भी वसाइल को ना छुएं या उन्हें इस्तेमाल ना करें जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ऐसे वसाइल को असातिज़ा तजुर्बा करते वक्त खुद एहतियात से तलबा को समझाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से तजुर्बेगाह में साजो सामान को तरतीबवार रखें जिससे तलबा में साइंसी रुझान और दिलचस्पी पैदा हो सके, यानी कि जब हम साइंस लेबोरेटरी में तजुर्बेगाह में जब साइंस के तजुर्बात करेंगे तो तलबा में साइंसी रवैये या फिर साइंसी रुझान जो है वो उसको फरोग मिलता है और तलबा को क्या होती है, दिलचस्पी पैदा होती है। यहाँ पर देखिए इस तरह से वसाइल को एक जगह अच्छी तरह जमाने से यानी कि जो तजुर्बेगाह में इस्तेमाल होने वाले वसाइल होते हैं उन्हें एक तरफ अच्छी तरह से जमाने से इसमें क्या होता है, तलबा और असातिज़ा दोनों की टाइम और एनर्जी दोनों चीजों की बचत होती है। वहां से तलबा आसानी से उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए तजुर्बों को अंजाम दे सकते हैं और फिर उन्हें वहीं पर उसकी जगह पर रखने से तलबा की एनर्जी और टाइम दोनों यहाँ पर क्या हो सकते हैं, दोनों की बचत हो सकती है। चूंकि तजुर्बेगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर तलबा जो है असातिज़ा की मदद से यानी असातिज़ा की रहबरी में या फिर खुद से सीखते हैं और फिर कमरे जमात में पढ़ाए गए नुकात को कमरे जमात में जो कुछ उन्हें पढ़ाया जाता है उनकी जांच करते हैं, यहाँ पर उन्हें उनकी जांच करने का मौका मिलता है। तजुर्बेगाह की मदद से तलबा में साइंसी रवैयों और साइंसी रुझान को पैदा करने में फरोग मिलता है और साथ ही साथ तलबा में खुद इन हिसाब और
खुद एतमाद और चैलेंजेस को सामने कर चैलेंजेस को सामना करने का की सलाहियत जो है उजागर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम मदरसे में मंदरजा ज़ैल तजुर्बेगाहों का होना जरूरी है। पहला है लिसानी तजुर्बेगाह, दूसरा है इल्मे रियाज़ी की तजुर्बेगाह, और फिर साइंस तजुर्बेगाह और समाजी साइंस तजुर्बेगाह। यानी मदरसे में मंदरजा ज़ैल तजुर्बेगाहों का होना बहुत यानी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप इस तजुर्बेगाह में देख सकते हैं, ये एक लिसानी तजुर्बेगाह की मिसाल है। यहाँ पर बच्चे उर्दू सीख रहे हैं, यानी जब बच्चे उस तजुर्बेगाह में जाएंगे तो वहाँ पर मौजूद अशिया को इस्तेमाल करते हुए हरफों को सीखेंगे, फिर उन हरफों का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाएंगे। इस तरह से बच्चे जो है एक के बाद एक स्टेज में जाते जाएंगे और उनको अच्छी तरह से जहन नशीन करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक और तजुर्बेगाह जो आपको नजर आ रही है, ये है इल्मे रियाज़ी की तजुर्बेगाह। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक तजुर्बेगाह यानी साइंस की ही तजुर्बेगाह नहीं होती है, हर मजमून की जो है तजुर्बेगाह हम बना सकते हैं। यानी इल्मे रियाज़ी के किट्स में जो मौजूद सामान होते हैं या फिर जो भी इल्मे रियाज़ी में इस्तेमाल होने वाली अशिया होती है उनको एक तरफ अगर हम जमाएंगे तो वो भी एक हमें इल्मे रियाज़ी की तजुर्बेगाह की तरह काम आएगी, और उन मसाइल का इस्तेमाल हसब जरूरत हम करेंगे। जहाँ कहीं भी हमें उनकी जरूरत होगी उनका इस्तेमाल करते हुए बच्चों में उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाने की कोशिश की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए एक सरगर्मी है, इस सरगर्मी में क्या है, आपके मदरसे में मौजूद लिसानी और रियाजी के तजुर्बेगाह में कौन कौन से साजो सामान और अशिया है उनकी फहरिस्त तैयार करें और अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। यानी कि आपके मदरसे में जो भी लिसानी तजुर्बेगाह है या फिर तजुर्बेगाह नहीं है तो लिसानी यानी जबानदारी सिखाने के लिए आप जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं उन वसाइल का को जो है आप उनकी फहरिस्त तैयार करें और अपनी नोटबुक में लिखें। साथ ही साथ रियाजी समझाने के लिए आप किन किन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं उन वसाइल को भी क्या करें, उन मसाइल की अशिया की एक फहरिस्त बनाएं और उसे भी अपनी नोटबुक में दर्ज करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है समाजी साइंस की तजुर्बेगाह, यानी समाजी साइंस की भी हम तजुर्बेगाह बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो हमारे मुल्क के आजादी की लड़ाई में जो हिस्सा लिए हैं उन लोगों की जो है ना फोटोज लेकर उन लोगों की जो है तस्वीर बनाकर इस तरह से समाजी साइंस की तजुर्बेगाह की दीवारों पर चस्पा करने से या फिर नक्शेजात मुख्तलिफ मकामात के नक्शेजात को भी इस तरह से दीवारों पर चस्पा करें जिससे बच्चों में क्या होगा एक समाजी साइंस का माहौल पैदा होगा और इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी। बेगा है ये जिस तरह से साइंस में तीन हिस्से होते हैं तबियात कीमिया और हयातियात, यानी अगर आपके पास जमाती कमरों की तादाद ज्यादा है तो इस तरह से अलहदा अलहदा तजुर्बेगाह भी बनाए जा सकते हैं। पर आप देख सकते हैं यह है इल्मे कीमिया की तजुर्बेगाह, यानी यहाँ पर जो केमिस्ट्री सब होता है ये भी एक साइंस की शाख है, उसकी इस तरह से अलहदा से एक तजुर्बेगाह भी बनाई जा सकती है। यह है इल्मे तबियात की तजुर्बेगाह। यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपके लिए एक सरगर्मी है, यहाँ पर आपको क्या करना है आपके साथियों से तबादला ख्याल करें कि वो अपने मदारिस में साइंस और समाजी साइंस के तजुर्बेगाह में किन किन अशिया साजो सामान का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपके जो साथी हैं उन लोगों से आप क्या करें तबादला ख्याल करें कि वो अपने मदरसे में समाजी साइंस और साइंस के तजुर्बेगाह में किन किन अशिया या फिर वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।